भारत में व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में सरकारी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश की अधिकांश जनसंख्या, विशेषकर गरीब वर्ग के लोग, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं पर ही निर्भर हैं। हर दिन लाखों मरीज सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में रोगों के उपचार के लिए आते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल सेवाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे टीकाकरण, परिवार कल्याण इत्यादि का संचालन भी इन्हीं अस्पतालों से होता है। अब तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाने लगी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार और आम जनता में बढ़ती जागरूकता के फलस्वरूप सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह लाखों लोगों को इलाज उपलब्ध कराना और प्रभावशाली सेवाएं मुहैया कराना स्वास्थ्य सेवा विभागों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु ने इस चुनौती से कारगर रूप से निपटने के लिए एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। दूसरे राज्यों की तरह तमिलनाडु में भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा तंत्र द्वारा रोगियों के पंजीकरण से लेकर अस्पताल से छुट्टी तक की प्रक्रिया का रिकॉर्ड हस्तचालित यानी हाथ से ही रखा जाता था, क्योंकि हाथ से रिकॉर्ड लिखने के काम में काफी समय लगता है। मरीजों और उनके परिजनों को अक्सर लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। ये अप्रिय दृश्य लगभग सभी उन स्थानों पर नजर आते हैं जहां रोगी को कोई सेवा मिलती है। मरीज तो परेशानी महसूस करते ही हैं, कर्मचारी भी कभी कभी बेबस हो जाते हैं। समय पर नवीनतम आंकड़े प्राप्त न होने की वजह से उच्च अधिकारी भी स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय और समीक्षा विश्वास के साथ नहीं कर पाते। बदन में दर्द है, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, हॉस्पिटल आता हूं तो बहुत देर लगती है, खड़े खड़े धूप में परेशान होना पड़ता है। कल्लाकुर्ची में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन चुका है। आने वाले मरीजों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, कई बार तो लाइन में खड़े खड़े लोग चक्कर खाकर गिर जाते हैं। वर्ष 2005 में तमिलनाडु सरकार ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुँचाने और इन सेवाओं को सक्षम एवं व्यापक बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस परियोजना को 2005 से 2010 तक की अवधि के लिए वर्ल्ड बैंक और राज्य सरकार से 597 करोड़ रुपए दिए गए और बाद में 2013 तक के लिए अतिरिक्त 627 करोड़ रुपए की राशि दी गई। अब इस परियोजना को राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक के अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM से भी सहायता मिल रही है। तमिलनाडु हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम इसी दूरगामी परियोजना के 10 कार्यक्रमों में से एक सफल कहानी है। स्वास्थ्य सेक्टर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सक्षम बनाना और इस पूरी यंत्रीय श्रृंखला में काम का डाटा समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तमिलनाडु हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत वर्ष 2008 में प्रयोग के रूप में 5 अस्पतालों में हुई। प्रयोग की सफलता को देखते हुए परियोजना को 3 चरणों में लागू करने का फैसला किया गया। पहले चरण में 5 जिलों के 36 अस्पतालों में और दूसरे चरण में परियोजना के अंतर्गत 1589 प्राथमिक सेवा केंद्र और 222 माध्यमिक सेवा केंद्रों को लाया गया। अब परियोजना के तीसरे चरण में राज्य के सभी 47 उच्च चिकित्सा संस्थानों, 17 मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों और तमिलनाडु की डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी को इसी प्रणाली से जोड़ा जाएगा। कुछ ही समय में राज्य का समूचा स्वास्थ्य सेवा तंत्र पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। इस क्रांतिकारी प्रणाली को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम यानी HMS, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण किया गया है। इस काम में
देश की जानी मानी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की सेवाएं ली गई हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जिन प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन किया गया है उनमें मरीज की रजिस्ट्रेशन, आउट पेशेंट, इन पेशेंट, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लैब एक्सरे एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस, फार्मेसी, स्टोर्स, ब्लड बैंक, डाइट, लिनन, प्रतिदिन ऑनलाइन रिपोर्ट मॉड्यूल। इन सभी मॉड्यूल्स को आपस में लिंक कर दिया गया है और एक सेंट्रल सर्वर पर रखा गया है। जिससे सभी को बहुत सुविधा हो रही है। दूसरे भाग में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत एक यूनिफाइड हेल्थ रिपोर्टिंग सिस्टम का प्रारूप बनाया गया है जिसमें क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, जनगणना, बीमारी की दर, मृत्यु दर, पेशेंट सर्विसेज, टीकाकरण, एंसिलरी सर्विसेज, ISMR, ब्लड बैंक, लैब सर्विसेज इत्यादि। स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी के अलावा प्रशासनिक, कर्मचारिक व्यवस्था, भवन संबंधित विवरण, वित्त एवं अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये डाटा संस्थान के स्तर से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT द्वारा राज्य डाटा सेंटर में भेजा जाता है। ये सूचनाएं तमिलनाडु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी TNSWAN पर उपलब्ध हो जाती हैं और ये सूचनाएं राज्य में कभी भी एक्सेस की जा सकती हैं नेट के माध्यम से। तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु ने मिलकर राज्य में सेवाओं का वेब आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ताना बाना तैयार करने का जिम्मा लिया है। कंप्यूटर हार्डवेयर तमिलनाडु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी TNSWAN पर कनेक्टिविटी का जिम्मा इन दोनों कंपनियों ने उठाया, जबकि राज्य विद्युत बोर्ड ने पावर सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ली है। तमिलनाडु स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP के अंतर्गत हुई है। यह सेंटर तमिलनाडु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा सूचना का प्रवाह करता है। डाटा सेंटर में बैकअप तैयार करने, सर्वर के सुचारू रूप से कार्य करने एवं इसकी सुरक्षा के लिए तकनीकी रूप से कुशल एवं समर्पित हेल्प डेस्क टीम का गठन किया गया है। इस पहल ने न केवल मरीजों को सशक्त किया है बल्कि डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, टेक्नीशियंस और फार्मासिस्ट्स के काम को भी सरल कर दिया है। मरीजों को पंजीकरण के समय एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन दिया जाता है। उसी के आधार पर वो बिना दोबारा पंजीकरण कराए किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं या फिर बड़े या किसी दूसरे अस्पताल में उसी नंबर के आधार पर अपना इलाज करवा सकते हैं। कर्मचारी भी दोबारा एंट्री करने से बच जाता है। डॉक्टर भी टेस्ट, दवाएं, उपचार इत्यादि कंप्यूटर में ही भर देते हैं और उसकी सूचना नर्स, एक्सरे डिपार्टमेंट, फार्मेसी और अन्य स्टाफ तक तुरंत पहुंच जाती है। जब मरीज वहां पहुंचता है तो स्वास्थ्य कर्मी उसके पिन के आधार पर डॉक्टर द्वारा लिखे टेस्ट, दवाई, इंजेक्शन आदि का प्रबंध कर देते हैं। इसके चलते अब मरीज को अस्पताल में आकर प्रताड़ित नहीं होना पड़ता बल्कि अब यहां मरीजों का अनुभव बहुत ही सकारात्मक हो गया है। पहले 4-5 घंटे लगते थे लेकिन अब एक बटन दबाने से सारी डिटेल मिल जाती है और दवाई भी मिल जाती है और हम जल्दी घर चले जाते हैं। पहले जब हम हॉस्पिटल आते थे तो हाथ वाली पर्ची की वजह से बहुत देर तक लाइन में इंतजार करना पड़ता था। अब सिर्फ नंबर बताने से ही हॉस्पिटल में जल्दी इलाज हो जाता है और हम जल्दी से दवाई लेकर घर चले जाते हैं। इस परियोजना की सफलता के पीछे टेक्नोलॉजी के साथ साथ
सरकारी तंत्र में अनुकूल बदलाव का बहुत बड़ा हाथ है। तमिलनाडु सरकार ने आदेश जारी कर अस्पतालों में हस्तचालित रिकॉर्ड प्रणाली को अलविदा कहा। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMS के प्रयोग से डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को मरीजों का पुराना रिकॉर्ड जानने में परेशानी नहीं होती। उसी तरह मरीजों को भी अपना रिकॉर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक पिन नंबर से ही उनकी बीमारी के बारे में और उनको अब तक क्या इलाज दिया गया है इत्यादि की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस सुविधा के माध्यम से अब मरीजों को घंटों घंटों लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि वो अब जल्दी से जल्दी इलाज करवा कर घर चले जाते हैं। अब कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग एक तरह से अनिवार्य है। इसके लिए सॉफ्टवेयर के विकास और IT इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ राज्य में 90,000 कर्मचारियों एवं डॉक्टरों को इस परियोजना से जोड़ने का काम भी किया गया। निदेशालय स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया गया और ICT पहल को बल प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर नए पद बनाए गए और हर एक जिले में एक IT कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। सरकार ने सक्षम अधिकारियों को इस नीति पर लगातार निगाह रखकर इसकी सफलता को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है और ये अधिकारी निरंतर HMS के प्रयोग को प्रोत्साहित करते रहते हैं। वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब तमिलनाडु में स्वास्थ्य संबंधित पूरा डाटाबेस ऑनलाइन होगा। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी नजर नहीं आएगी। स्टाफ और डॉक्टर्स को डॉक्यूमेंटेशन और कैलकुलेशन में कीमती समय नहीं लगेगा। ऑडिट और अन्य रिपोर्ट्स भी नियमित हो जाएंगी। एक सुगम परिवर्तन का नया अध्याय राज्य में प्रारंभ होगा। तमिलनाडु हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की इन्हीं उपलब्धियों के लिए इस क्रांतिकारी पहल को वर्ष 2011-12 में ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस परियोजना पर काम अभी चल रहा है और आने वाले सालों में इसकी उपलब्धता एवं उपयोगिता की तस्वीर और बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक बात साफ है कि इस पहल ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं में जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयां, विशेषकर नवीनतम सूचनाओं के अभाव को कैसे सुलझाया जाए, इसका एक बेहतरीन नमूना पेश किया है, जिसको उपलब्ध टेक्नोलॉजी और सुगम सरकारी नीतियों से देश के दूसरे राज्यों में भी दोहराया जा सकता है।